देखिए आज विजय कर रहे हो बहुमत का, बहुमत जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। काफी बच्चे चैप्टर को अच्छे समझते होंगे, जिनके लिए बिल्कुल नई चीज है वो बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि शुरू में बच्चे आए नहीं थे। चर चर को कहते हैं अंग्रेजी में बैल, अचर को कहते हैं ये जीरो से लेकर एक दो तीन माइनस तक जितनी भी संख्याएं होती हैं प्लस की माइनस की सब प्लस माइनस बन जाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये सब संख्याएं चाहे पॉइंट में हो चाहे बटे में हो, जिनका संख्यात्मक मान होता है और वो निश्चित होता है वो कहलाती हैं अचर। क्या कहलाती हैं? गणित में मानने की जरूरत पड़ती है, माना कि लंबाई एक्स है, माना की चौड़ाई वाई है, इनकी शुरुआत होती है तो वो कहते हैं चर एक्स वाई जेड ए बी, यानी कुल मिला के ए से लेके जेड तक के जो अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं, इन अल्फाबेट को अक्षरों को हम गणित में प्रयोग करते हैं। और गणित में आप इनको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके मोबाइल की मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी होती है उसमें फोटो डालते हैं वीडियो बनाते हैं, फिर जब वो भर जाती है तो पुराने वाले डिलीट करते हैं फिर नए वाले डालते हैं, ऐसा नहीं भरने का मोबाइल फेंक देते हैं। तो वो जो मेमोरी है आपकी वो मेमोरी चर है, वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो फोटो खींच के डाला आपने वो अचर है, वो जाएगा कहाँ? मेमोरी के पास। जहाँ मेमोरी होगी वहीं तो उसको स्टोर कर पाओगे मोबाइल के अंदर। जैसे तुम्हारा बस्ता है मार्केट में, बस्ता लेके आए, तुम्हारे पास अपनी किताबें हैं, तुम्हारी अपनी किताबें, तुम्हारी अपनी किताबें वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन बस्ता जो मार्केट से लेके आ रहे हो, ठीक है, उसमें ये अपनी किताबें भी डाल सकता है, वो दूसरा अपनी किताबें भी डाल सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही एक चीज़ें चर होती हैं और एक अचर होती हैं, और चर वो होती हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूरा कंप्यूटर बना तो मैथमेटिक्स से ही है, तो उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग करी गई है ना कि भाई तुम अपना मान बदल सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका मान नहीं बदलता। जैसे आपने देखो वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो वीडियो थोड़ी बदल जाएगा किसी का, मान लो किसी का वीडियो बनाया वो किसी के मोबाइल में जाएगा, वो 10 मोबाइलों में जा सकता है, 1000 मोबाइलों में जा सकता है, वीडियो तो कॉन्स्टेंट है, वही सेम है, वही नियत वीडियो है, अचर है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन वो हर किसी के मोबाइल में जा रहा है, एप्पल के मोबाइल में जा रहा है तो अलग पिक्सल आ रहे हैं उसके, सैमसंग में जा रहा है अलग पिक्सल आ रहे हैं। इसका मतलब जो वेरिएबल है मोबाइल की मेमोरी उसके हिसाब से वो चर अचर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं। जा वो सबके मोबाइल में रहा है तो सबके मोबाइल जो है वो तो चर हो। ऐसे सवाल होते हैं, सवालों में एक्स होता है, वो एक्स किसी सवाल में होता है तो उसका मान 2 आता है, किसी सवाल में होता है उसका मान 5 आता है, हर सवाल में एक्स का मान बदल जाता है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई। अब गणित जो है चार चीजों पे हमारा अभी तक चल रहा है जब से आपने गणित पढ़ा शुरू किया। चार चीजें कौन कौन सी हैं? प्लस माइनस गुणा भाग, इन्हीं चार चीजों पे आपका पूरा गणित अभी तक चल रहा है। या फिर दूसरा जो आप देखते हो गणित में कहते हो भाई ए बराबर है बी के, ए बड़ा है बी से या ए छोटा है, या तो तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हो दो संख्याओं में, या फिर उन्हें जोड़ देते हो या घटा देते हो या गुणा कर देते हो, या उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। अभी तक पूरे गणित में यही करते आ रहे हैं। तो जो अचर हैं संख्याएं हैं उनको जोड़ना भी आता है आपको, दो और दो तीनों दो ये सीख लो बेटा, ठीक है। पांच और तीन, पांच और तीन को जोड़ रहे हैं, जोड़ना कर रहा हूं ना अभी, और अगर घटाएंगे तो पांच माइनस दो, पांच माइनस आठ, माइनस के घटाने के नियम होते हैं कि अगर मैं आठ में से पांच घटाऊंगा तो इसका निशान प्लस है इसका माइनस, आठ में पांच जोड़ूंगा या ये करेंगे या ये, चार तरह की क्रियाएं दो अंकों के बीच में हो सकती है। पहली जो भी संख्या दुनिया की होती है उसके पीछे भी लिखा है और आगे भी निशान लगा है, तो पांच का निशान कौन सा है इसमें? तो जो संख्या के लेफ्ट साइड में बाई तरफ जो निशान होता है
वो संख्या का निशान होता है, दाएं तरफ वाला संख्या का निशान एक बात तो ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है बेटा, दुनिया में बहुत गम है, ये सिर पर हाथ रख के ऐसा बैठा है, तुझे कौन से गम हो गया है? खड़ा हो, क्या नाम है तुम्हारा, कैसे परेशान हो? और हो भी परेशान तो यहाँ जब पंखे चल रहे हैं, क्लास में बैठे हो, सबके साथ बैठे हो, तो सारी परेशानियां भूल जाओ। क्या कर रहे हैं? टैटू बना रहे हैं। अच्छा, निकल गया परेशान तो, अभी तुम्हारे पापा को बुलाते हैं, ये भी निकल गया, अभी फोन करते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस, तो इसका निशान है माइनस का, इसका निशान है प्लस का, दोनों के निशान अलग अलग है। जब भी दो संख्याओं के निशान अलग हो तो उन्हें घटाया जाता है, दो निशान संख्याओं के निशान एक से हो तो उन्हें जोड़ा जाता है। ये नियम है घटा के और जोड़ के, केवल अभी गुणा के और भाग के नियम नहीं बताए। घटा और जोड़ में समान निशान जोड़ दिए जाते हैं और विपरीत निशान घटा दिए। अब सवाल ये उठता है कि जोड़ने घटाने के बाद निशान कौन सा आएगा जो उत्तर आएगा? तो उत्तर पर जो निशान आता है अगर जोड़ रहे हो तो वही निशान आएगा जो निशान दिया है। जोड़ा कब हमने? जब समान निशान थे। घटाया कब? जो विपरीत थे। तो उत्तर में निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा। तो आप देखो ये निशान समान है, अलग अलग है, तो घटेगा घटेगा। अब इसमें देखो आठ और पांच निशान कैसे समान है, इसका भी प्लस है और इसका भी जुड़ जाएगा, आठ पांच और निशान जो है। यहाँ आप देखिए माइनस आठ प्लस फाइव, आठ को एट कहते हैं, इंग्लिश में कहते थे माइनस एट प्लस फाइव, इनके जो साइन है निशान है वो अलग अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है, तो इनको माइनस कर देंगे। एट माइनस फाइव कितना होता है? अब इन दोनों का बड़ा ग्रेटर नंबर कौन है? एट या आठ बड़ा है, तो जो निशान बढ़ेगा है वो लगा देंगे। क्या बढ़ेगा निशान? माइनस। देखो दोनों में अंतर समझ में आ गया, यहाँ समान निशान है, सेम साइन है, तो जोड़ेंगे समान निशानों पे। जोड़ और घटा की बात हो तो आठ, अब दोनों समान निशान है, आठ पाँच, यानी जोड़ और घटा जो होता है, एड और सब्ट्रैक्शन जो होता है, वो इस आधार पे होता है कि जो हमें नंबर दिए हैं उनके साइन किस तरह के, उनके चिन्ह किस तरह। समान चिन्ह पे जोड़ दो, चिन्ह वही लगा दो, विपरीत चिन्ह पे घटा दो, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगा दो। बात दिमाग में आ गई? अब बात करते हैं गुणा की। और दुनिया में कोई संख्या बिना निशान की नहीं होती। हम आपसे कह रहे हैं कि आठ गुणा पांच, इसका मतलब है जिस पर कोई निशान नहीं लगता उस पर निशान मानते हैं प्लस का, प्लस आठ गुणा पांच। और कभी भी गणित में ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। जैसे यहाँ दो गुणा और प्लस आ गए, दो तो समझ में नहीं आएगा ना, ये गुणा करें या जोड़े। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब हुआ गुणा, किसकी गुणा? प्लस आठ की गुणा किससे? अगर माइनस आठ की गुणा माइनस पांच से करनी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसे। ऐसे तो समझ ही नहीं पाओगे ना, करना क्या है? ऐसे पता लग रहा है कि माइनस आठ की गुणा करनी है किससे? और यहां पर देखो कोई निशान नहीं है, माइनस आठ माइनस मतलब गुणा का निशान नहीं है, इसका मतलब ये जोड़ घटा है। गुणा का निशान होगा तो या तो ब्रैकेट लगी होगी, जैसे मान लो ये लिख दो माइनस आठ प्लस, ये लिख दो भाई, जब टैटू से ज्यादा यहां ध्यान दो। तो हमें फिर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और जिसके बीच में कोई निशान नहीं उसके बीच में गुणा का निशान, यहाँ पे कोई नहीं वहां पे एक। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा होगा? यहाँ पर एक लिखा होगा, इनके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब कौन सा होगा? गुणा कैसे होती है? पहले चिन्हों की गुणा होती है, फिर संख्या। जहां भी गुणा होगी वो पहले चिन्हों की गुणा होगी। बात समझ आ रही है?
जैसे पहले लड़ाई होती थी, पहले पैदल वाले जाते थे, उनके पीछे घोड़े वाले आते थे, उसके पीछे तीर वाले होते थे, ध्यान है? तो एक क्रम होता है हर चीज़ का। आप सुबह उठोगे तो सुबह उठ के सबसे पहले आँख खोलोगे, ये थोड़ी ना सुबह उठ के सबसे पहले तुम पानी या चाय पी लोगे, सबसे पहले क्या करोगे? आँख खोलोगे, उसके बाद आगे काम शुरू होगा। आँख खोल के अपने हाथों को देखोगे, धरती को देखोगे, धरती को प्रणाम करोगे कि भाई हाँ हम जो है अब आपके ऊपर पैर रखने जा रहे हैं। उसके बाद आप दुनिया के सारे काम शुरू करोगे, माँ बाप को प्रणाम करोगे स्कूल आने से पहले। ऐसे ही यहाँ गणित के भी नियम है, जो बच्चा जितना संस्कारी होता है उसका गणित उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि गणित हर चीज में लगता है। अगर आपकी जिंदगी में क्रम है कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किया, नहाए, नाश्ता किया, अब एक बच्चा सुबह उठा उसने खाना खा लिया, उसके बाद ब्रश कर रहा है, उसके बाद नहा रहा है, उसके बाद वो फ्रेश होने जा रहा है, एक बच्चा खाना खा के फ्रेश हो रहा है, फिर वो ब्रश कर रहा है, फिर वो नहाने जा रहा है और फिर वो ब्रश कर रहा है। तो चीज़ों का क्रम बहुत आवश्यक होता है, समझ आ रही बात? ऐसे ही जो जितने क्रम याद रखता है, क्रम याद करने की आदत डलती है, तो ऐसे ही गुणा का क्रम होता है, पहले चिन्हों के गुणा, जहाँ पर गुणा होगी जबरदस्ती चिन्हों का गुणा मत कर देना। बच्चे क्या करते हैं, माइनस आठ माइनस पांच जगह चिन्हों में गुणा, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद कहते हैं आठ पांच तेरह, आठ पंजे चालीस, कभी चालीस लिखते हैं उसे, कभी तेरह लिखते हैं। सबसे पहले तो ये सोचो हो क्या रहा है, माइनस आठ माइनस पांच लिखा है इसका मतलब गुणा नहीं हो रही, कहाँ हो रही है गुणा, है ना? अब तो ये जोड़ या घटा का सवाल है, तो सबसे पहले सवाल को देख के हमें पहचानना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने पहचान लिया कि भाई यहाँ माइनस का ब्रैकेट लग रही है तो गुणा हो रही है, तो गुणा करो, प्लस माइनस, ये माइनस आठ अपनी जगह है। अब संख्याएं गुणा करो, पांच ही काम, अब सवाल बनाइए, अभी सीधे घटाने का सवाल बन रहा है माइनस के, समझ आ गया? तो ये हमने किया अचर पर जोड़ गुणा भाग भी वैसे ही होता है। उसके बाद आता है पॉइंट मास, इसका अपना नाम है बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार की होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर ही डंडा भी लगा है। ये इनका क्रम है ब्रैकेट, ये इससे इसके बाद ये इससे ज्यादा शक्तिशाली ये, और सर्व शक्तिशाली सबसे पहले कमजोरों को भागा जाता है, सबसे पहले कमजोरों को भागा, शक्तिशाली को बाद में भागा। ऑफ डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है एडिशन, इसका हिंदी अर्थ होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन, इसका हिंदी अर्थ होता है, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है ये होता है। सवालों में लेकिन उल्टा होता है, किसी को किसी भी सवाल को हल करने का क्रम ये है, सबसे पहले ब्रैकेट हल होगी, ब्रैकेट में ध्यान दिया जाएगा कि पहले कौन सी ब्रैकेट है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद तो सबसे पहले ये हल होगी, उसके बाद ये हल होगी, फिर ये होगी, और ये सबसे लास्ट में हल होगी, ये इनका क्रम है, ठीक है? ये छोटी ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है? पैरेंथेसिस कर ली, क्लोज। ऑफ जहां आ गया वो ये वाला केस है, जहां पे बीच में कुछ ना लगा हो, कोई संख्या लिखी है, दो ब्रैकेट लिखी है, इसका मतलब वहां पे ऑफ हो रहा है। मान लो माइनस आठ माइनस पांच लिखो पड़े, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है आप सही। तो गुणा, गुणा तो ये भी है, ये भी तो गुणा है, तो फिर इस ऑफ का क्या मतलब? इस ऑफ का मतलब यही हुआ कि जहां पे ब्रैकेटें लगी हैं
वो ब्रैकेटों के बीच में कोई है या कोई संख्या लिखी है और बाद में ब्रैकेट लगी है, तो पहले किसे हल किया जाएगा उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अगला डिवाइड, डिवाइड आप जानते हो, एक सवाल ले लेते हैं। पांच और पांच गुणा चार प्लस तीन गुणा दो माइनस सात, ये सवाल है हमारे पास आज के लिए। अब ब्रैकेट में लगा दीजिए, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट आगे ऊपर वाली, तो सबसे पहले सवाल में ये हल होगा, बाकी कुछ हल नहीं होगा। पाँच डिवाइडेड बाई पाँच गुणा चार प्लस ये ब्रैकेट अपनी जगह तीन गुणा दो माइनस एक माइनस तीन में हो गया एक, समझो। पाँच जो बच्चा बोला उसने ये सोचा कि तीन माइनस का है, लेकिन ये वाली भी एक ब्रैकेट ही होती है। अब जब ये वाली ब्रैकेट लगी है तो ये माइनस के आगे ब्रैकेट लगी है, तो ये इस तीन इस ब्रैकेट के अधिकार क्षेत्र में आ गए, तो फिर इसका इस निशान से कोई मतलब तीन में से दो घटा के तीन। उसके बाद अगला काम होगा ब्रैकेट को हल करना। मान लो मैं यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, सवाल ये होता हमारे पास, तो फिर ये छोटी ब्रैकेट आ गई। जब हमने ये वाली हल कर ली तो हम इससे छोटी ब्रैकेट हल कर, छोटी ब्रैकेट हल करेंगे तो इसके अंदर फिर ये वाला रूल लगेगा यहां से यहां तक। ये रूल क्या कहता है, पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ो फिर घटाओ। तो भाग तो है नहीं ब्रैकेट के अंदर, ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो क्या है, गुणा है, तो गुणा करो पहले इतनी छह, उसके बाद घटाओ छह में से क्या ब्रैकेट यहां से हट जाएगी, पूरे ब्रैकेट आपने हल कर ऐसे ये ब्रैकेट लगा दो अंदर पांच में देख गया अब हम आ गए यहाँ पर। अब कोई ब्रैकेट नहीं है, ना तो कोई ब्रैकेट है ना कोई ऑफ है, फिर कौन है भाग, तो डिवाइड पर जाओ कहाँ हो रहा है भाग, यहाँ हो रहा है भाग, किसके बीच में लगा है निशान, इस पांच और इस पांच के आगे किसी से कोई मतलब, तो पांच से पांच को भाग करो पांच से कम, बाकी सब अपनी जगह भाग हो गए निबट गया। अब क्या होगा गुणा चार कम ये होके निबट गया, उसके बाद क्या होगा जोड़, जोड़ हो रहा चार और चार आठ, समझ आ गया। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तो सवालों के बीच में होती है और हमें परेशान करती है, इसलिए हमारा गणित रहता है कमजोर। आगे बढ़ते हैं, तो भाई संख्याओं में तो हमने सीख लिया, उससे अगला पद आता है भिन्नों का एलसीएम लेना या एक बटे तीन माइनस पांच बटे आठ, ये कुछ भिन्न होती है जिन्हें हमें हल करना होता है। ऊपर वाले को हल कहते हैं, जवाब कर रहे हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को पूरे को मिला कहते हैं भिन्न। आपने पढ़ भी लिया परिमेय संख्याएं क्या कहते हैं, अब दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं। आठवें में तुमने पढ़ा भिन्नों को जोड़ना घटाना, नवे में पढ़ रहे हो परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना, है ना। तो कैसे, कोई भी संख्या जोड़ या घट रही है या इनकी गुणा भी हो सकती है, गुणा का तो बड़ा अच्छा तरीका, ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा कर दो, नीचे वाले की नीचे वाले की, भाग भी होती है कभी, भाग का क्या नियम है, सात बटे आठ भाग के निशान को गुणा में बदल दो, गुणा से आगे जो लिखा है उसके अंश को हर में बदल दो और हर को, कभी कभी ऐसा भी होता है सात बटे आठ को भाग कर रहा है पांच, जिसका हल है ही नहीं, जिसका हल नहीं होता यही होता है, ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे। यहाँ पर लेना पड़ता है एलसीएम, एलसीएम लेते तो ये भी हर को बराबर करते
क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक है। तो अब तीन और दो और पांच का एलसीएम कितना आएगा? दस। कभी कभी एकदम आता है, कभी कभी एकदम कभी कभी दिक्कत होती है नहीं। मान लो लिख दिया हमने 12 और 5 या 12 और 25 है ना, या यहाँ लिख दिया हमने 32 या लिख दिया यहाँ पे 23 एकदम आता काम लगता है। क्या करना, क्या करना, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान वाला बता रहा हूँ, दोनों की गुणा करके नीचे लिख दो, दोनों की ठीक। अब जो अंश आएगा तो यहाँ पर कितना लिखा है? एक। एक की गुणा इसके हर से कर दो प्लस तीन, तीन की गुणा इसके हर से। क्यों किया ऐसा? क्योंकि किसी भी भिन्न को मैं किसी भी संख्या से ऊपर नीचे हर जो हर में गुणा कर सकता हूँ, इसके हर से मैं इसको गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे, और इसके हर से मैं इसको गुणा कर देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ दोनों का हर एक समान बन गया, वो मैंने लिख दिया ऊपर वाला, ऊपर लिख दिया और यहाँ वाला, इसे आप हल कर लोगे। यहाँ से कैलकुलेटर मुश्किल तो होती है लेकिन सवाल हल हो जाता है, सवाल में कोई दिक्कत हल होने में नहीं आती। बात समझ में आ गई? चलो इस पर भी बात हो गई। अब आते हैं मुद्दे पर। चर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3y, एक्स की घात 3z और हाँ, ये अलग चर है, ये चर अलग है, ये चर अलग है, और ये चर अलग है। ये एक घात में चर है, इसकी घात कितनी है? दो। इसकी घात कितनी है? तीन। जब भी किसी पद की घात होगी और उसमें एक से अधिक चर होंगे तो सभी चरों की घातों का योग उस पद की घात होगा। कितनी हो गई? इसकी पांच। बात समझ आ गई? अब अगर हम चरों को किसी अचर से गुणा करते तो इसको लिख देते हैं 2x, इनके बीच में कोई निशान नहीं लगा। अगर कहीं लिखा है 2x तो समझ जाओ एक अचर की एक चर x से गुणा हो रही है। अब क्योंकि हमें चर का मान नहीं पता, अचर का मान पता है, तो इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, इसके आगे बात करेंगे कल।